सच है। देश का टाइम जाया किया गया, नोटबंदी की, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा निकाल दिया, 3,50,000 करोड़ रुपए सबसे अमीर 15 लोगों को दे दिए। मार्केट में से पूरा का पूरा पैसा निकल गया, उनके जेब में गया, कोई कुछ खरीद नहीं रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। सिंपल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, मगर ये प्रधानमंत्री को मतलब शायद समझ नहीं आ रही है यार। सर, यूनियन होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर से देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड एनआरसी, व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? देखिए, चाहे एनआरसी हो चाहे एनपीआर हो, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स है। आप नोटबंदी को समझिए, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर एक टैक्स था। बैंक में जाइए, पैसा दीजिए, अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकालिए, और पूरा का पूरा पैसा वहीं 15-20 लोगों का। ये भी बिल्कुल वही चीज़ है। जाइए अफसर के पास जाइए, गरीब आदमी जाएगा, अपने कागज़ दिखाइए, रिश्वत दीजिए, आपका नाम थोड़ा गलत है तो रिश्वत दीजिए। करोड़ों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की गरीब जनता के जेब में से निकाल कर उन्हीं 15 लोगों के जेब में जाएंगे, ये है। गरीबों पे ये आक्रमण है, सीधी सी बात है। अब गरीब व्यक्ति पूछ रहा है कि भाई हमें रोजगार कैसे मिलेगा? अर्थव्यवस्था पहले 9% पे ग्रो करती थी, अब 4% पे आ गई है, वो भी नए तरीके से नाप रहे हैं। अगर हमारे तरीके पुराने तरीके से नापो तो 2.5% पे पहुंच गए हैं। तो गरीब जनता पूछे, भैया आपने हमारी जेब से पूरा पैसा निकाल दिया, मार दिया आपने हमें, मगर हमें क्या मिला? और छत्तीसगढ़ उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल बन रहा है। मैं नंबर नहीं देता हूँ, नंबर जनता देती है, मेरा काम नंबर देने का नहीं है। मेरा काम अगर मैं थोड़ा सरकार को जनता की आवाज़ सुना सकूं, किसानों की बात सुना सकूं, तो वो मेरा काम है। बट नंबर देना राहुल गांधी का काम नहीं है, नंबर देना छत्तीसगढ़ की जनता का। थैंक यू।